हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शानदार जैसलमेर किले के इतिहास के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसलमेर किले में दुनिया की सबसे बड़ी किलेबंदी है। यह किला जैसलमेर किले में स्थित है, जो भारत के राजस्थान राज्य में आता है। यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसका निर्माण 1156 ईस्वी में राजपूत शासक रावल जैसल ने किया था, इसलिए किले का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जैसलमेर का किला थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा है और यहाँ काफ़ी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ भी हुई हैं। किले में भारी पीले रंग के बलुआ पत्थरों की दीवारें बनी हुई हैं। दिन में सूरज की रोशनी में इस किले की दीवारें हल्के सुनहरे रंग की दिखती हैं, इसी कारण से यह किला सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह किला शहर के बीचों बीच बना हुआ है और जैसलमेर के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में लोग उस किले को देखने आते हैं। 2013 में कोलंबिया नोमपेन में हुई 37वीं वर्ल्ड हेरिटेज समिति में राजस्थान के 5 दूसरे किलों के साथ जैसलमेर किले को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। जैसलमेर का किला 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने बनवाया था। जैसल गौर के सुल्तान द्वारा बनाए षड्यंत्र में फंस गया, ताकि वह उसके प्रवेश को अपने भतीजे भोजदेव से बचा सके। किले की एक और महत्वपूर्ण घटना 1276 में घटी, जब जेत्सी के राजा ने दिल्ली के सुल्तान से परेशान होकर उस पर आक्रमण किया। 56 दुर्ग की चढ़ाई 3,700 सैनिकों ने की थी। आक्रमण के 8 सालों बाद सुल्तान के आर्मी ने महल का विनाश कर दिया। उस समय भाटियों ने किले को नियंत्रित किया, लेकिन उनके पास ताकत का कोई साधन नहीं था। 1306 में दोहू द्वारा बलपूर्वक राठौड़ को बाहर निकालने की बहादुरी के लिए उन्हें ही किले का रावल चुना गया और तभी से उन्होंने किले का निर्माण करना शुरू किया। लेकिन रावल मुगल साम्राज्य के हमलों को सहन नहीं कर सका और परिणाम स्वरूप 1570 में वह अकबर की शरण में चला गया और अपनी बेटी का विवाह भी उससे करा दिया। मध्यकाल में पर्सिया, अरबिया, इजिप्ट और अफ्रीका से व्यापार करते हुए इस शहर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किले में दीवारों की 3 परतें हैं। किले की बाहरी और निचली परत ठोस पत्थरों से बनी हुई है। दूसरी और बीच वाली परत किले के चारों तरफ सांप के आकार में बनी हुई है। इस एक बार राजपूतों ने दीवारों के बीच में से अपने दुश्मनों के ऊपर उबला हुआ पानी और तेल फेंका था और दूसरी ओर तीसरी दीवार के बीच उन्हें घेर लिया था। इस प्रकार किले की सुरक्षा के लिए कुल 99 दुर्ग बनाए गए थे, जिनमें से 92 दुर्ग 1633 से 1647 के बीच बनाए गए थे। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर आक्रमण किया और उसे हासिल कर लिया और 9 साल तक उसने किले को अपने नियंत्रण में ही रखा। किले की घेराबंदी के समय राजपूत महिलाओं ने अपने आप को जौहर में समर्पित किया। किले की दूसरी लड़ाई 1541 में हुई थी, जब मुगल शासक हुमायूं ने जैसलमेर पर हमला किया था। 1762 तक किलों पर मुगलों का ही नियंत्रण था। इसके बाद के किले को महाराजा मूलराज ने नियंत्रित किया। किला एकांत जगह पर बसा होने के कारण किले को मराठाओं के इंतकाम का बचाव किया। पूर्व भारतीय कंपनी और मूलराज के बीच 12 दिसंबर 1818 को हुए समझौते के कारण राजा को ही किले का उत्तराधिकारी माना गया और आक्रमण के समय उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाती थी। 1820 में मूलराज की मृत्यु के बाद उनके पोते गज सिंह ने शासन को अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश नियमों के आते ही बॉम्बे बंदरगाह पर समुद्री व्यापार की शुरुआत हुई। इससे बॉम्बे तो विकसित हुआ, लेकिन जैसलमेर की आर्थिक स्थिति नाजुक होती गई। स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के बाद प्राचीन व्यापार यंत्रणा पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। लेकिन फिर 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जैसलमेर किले ने अपनी महानता को प्रमाणित किया। जैसलमेर किला इतना विशाल है कि वहाँ की पूरी जनता उस किले के अंदर रह सकती है और आज भी वहाँ 4,000 लोग रहते हैं, जिनमें से बहुत से ब्राह्मण और दरोगा समुदाय के हैं। और ये लोग भाटी शासकों की निगरानी में काम करते थे और तभी से वे उसी किले में रह रहे हैं।
लेकिन फिर जैसे जैसे जैसलमेर की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे लोग त्रिकुटा पर्वत के नीचे भी रहने लगे। जैसलमेर किले का आर्किटेक्चर, यह किला 1500 फीट यानी कि 460 मीटर लंबा और 750 फीट यानी कि 230 मीटर चौड़ा और 250 फीट यानी कि 76 मीटर ऊंचे पर्वत पर बना हुआ है। किले का तहखाना 15 फीट लंबा है। किले के दुर्ग ने तकरीबन 30 फीट की एक श्रृंखला बनाई है। किले के शहर से किले के कुल 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार पर तोप भी लगी हुई है। राजमहल जिसे कि रॉयल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, लक्ष्मीनाथ मंदिर, 4 विशाल प्रवेश द्वार, व्यापारी हवेली। राजस्थानी शहरों के धनी व्यापारियों ने बड़ी बड़ी हवेलियां भी बनवाई हैं, जिनमें से कुछ हवेलियां तो एक दशक से भी ज़्यादा पुरानी हैं। जैसलमेर शहर में पीले पत्थरों से बनी ऐसी कई विशाल और सुंदर हवेलियां हैं। इनमें से कुछ हवेलियों में बहुत सी मंजिलें और अनगिनत कमरे भी हैं। साथ ही हवेलियों की खिड़कियों को राजशाही अंदाज में सजाया गया है और बालकनी और दरवाजों पर भी विशेष और मनमोहक कलाकृतियां की गई हैं। इनमें से कुछ हवेलियां तो आज म्यूजियम बन चुकी हैं, लेकिन जैसलमेर की बहुत सी हवेलियां तो आज भी इनमें कई परिवार रहते हैं। इनमें से एक हवेली व्यास हवेली भी है, जो 15वीं शताब्दी में बनी थी, लेकिन आज भी वहाँ उनके परिवार रहते हैं। एक और हवेली की बात करें तो श्रीनाथ भवन का नाम आता है, जहाँ किसी समय में जैसलमेर के प्रधान रहते थे। जैसलमेर की हवेलियों के कुछ दरवाजे हमें प्राचीन लकड़ियों की कलाकृतियों की याद दिलाते हैं। किले में एक शानदार जल निकास सिस्टम भी है, जिसे घुट नाली नाम दिया गया है, जो बरसात के पानी को आसानी से चारों दिशाओं में किले से दूर ले जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।